तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चोरों का महिमा मंडन, पीएम मोदी गेट्स एंग्री अटैक अपोजिशन फॉर सपोर्टिंग करप्ट लीडर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का, कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर हो देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर हो देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं, जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। चलो जी, वीडियो खत्म हो गए। भाई साहब, मोदी साहब भाई गुस्से में लग रहे थे और साफ जाहिर है कि जो करप्ट लोगों को सपोर्ट करेगा उनकी वो होते ऊपर ना, वो होता ना पर्दा डालने की कोशिश करेगा, उसको
साफ करने की कोशिश। हुकूमत तो 9 सालों से इनकी है, फिर पर्दा अपोजिशन डाल रही है उनके ऊपर। नहीं, जिनके ऊपर वो है अब सरकार। नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि ये क्रांति अभी अभी आए हैं, हुकूमत संभाली है, पिछलों पर उंगली उठा रहे हैं कि आपने चोरों को पनाह दे। पिछले 75 सालों से बोल रहे हैं, उस हिसाब से जो भी लूट रहे हैं उसको, जैसे इमरान का बोलता था मैं इनके जो भी बैर से अकाउंट है, जो भी बैर लौट कर लेके मैं वो वापस लेकर आऊंगा, इस तरह के भाषण दे रहा था वो इमरान खान। उस तरह वैसा पीएम मोदी सर भी बोल रहा है। बाकी का बात भी ठीक है, चाहे वो अपोजिशन में चाहे वो अपनी पार्टी में, जिसने भी लूटा है कंट्री का नुकसान पहुंचाया है, वैसा उससे तो लेना पड़ेगा ना। अपनी पार्टी में कोई हिसाब नहीं होगा, दूसरों की बात है ये, दूसरों की पार्टियों का। अपनी पार्टी में जो भी करप्शन कर रहा है, जब पहले कर चुका है या अभी भी करंट कर रहा है, उससे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, तुझे मानना पड़ेगा। हाथ पहुंचेगा जो बीजेपी के अंदर मौजूद है उसको कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं नहीं, एक बात है, नहीं कोई एक बात नहीं, लीडर तक पकड़े। अगर पकड़ना है तो पहले अडानी को पकड़िए, पकड़ना है तो पहले अडानी को पकड़िए। भाई साहब लीडरों की बात हो रही है, लीडरों में अडानी कौन है? वो लीडर नहीं, अडानी की सियासत का हिस्सा है, बिजनेसमैन है, अडानी की सियासत का हिस्सा है। राहुल गांधी ने झूठ नहीं बोला हुआ, अडानी की सियासत का हिस्सा है। सारा पैसा टैक्स का किधर जाता है? अडानी के तरफ जाता है। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर पे आया, इनको इनकी वजह से, इन बिजनेसमैन को ये कर्जे वो माफ कर रहे हैं। हां क्यों करते हैं? उससे देश का पैसा क्यों करते हैं? मलक रियाज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, जनता के मलक रियाज को क्यों इतना रिलीफ दिया जाता है, चाहे जरदारी हो चाहे नवाज शरीफ हो? क्योंकि बड़े बिजनेसमैन से कंट्री चलता है। तो भाई पैसा ये दिखा जाते हैं, अगर उनका बिजनेस डूब गया तो जो लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है वो ठप हो जाएगा। जितना भी जो भी पैसा होता है वो अडानी साहब के ऊपर लगाया गया है, इसीलिए वो इतने बड़े। राहुल गांधी को अनजान या जहल बंदा नहीं है, पढ़ा लिखा शख्स है, बड़ी लंबी हुकूमत उन्होंने की हुई है, वो इंडिया की आदत को जानते हैं। अब तो हिसाब लिया जाएगा ना, जो लीडर है उसके बाद वैसा जो बिजनेसमैन है फिर उनका भी ले लेंगे। कोई भी नहीं लेगा उनको, जो भी चोर चक्का है कंट्री में, जो भी चोर। चलो आज बीजेपी की हुकूमत है, आज वो एहतसाब कर रही है दूसरे का, अपोजिशन का। कल अगर कांग्रेस आती तो बीजेपी का करेगी, वो हमारे वाले सेम हो जाने। फायदा किसका हो रहा है दोनों तरफ से? आवाम का जो भी लूट रहा है पैसा, वो पैसा वापस खजाने में जाना चाहिए। जो हुकूमत होती है ना उनके अपने बंदों के फेलियर हुकूमत के दौरान नहीं दिखते हैं। हां जी, जैसे ही सत्ता से हटते हैं ना, खान साहब सत्ता में थे तो किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, जैसे ही हटे हैं वो जैज थे नजैज थे, 200 केस उन पर। अच्छा देख लो, छोटी सी बात देख लो, हमारे जो सीएम हमारा पंजाब का है ना, मोहसिन नकवी जी, उसने खुद ही अपने आप को 3 साल के लिए पीसीबी का चेयरमैन बना लिया। आप क्या सोचते हैं क्या वो करप्शन नहीं करेगा इसमें? मर्जी के एक मिसाल दे रहे हो, मर्जी का बंदा नहीं लाएगा, स्पोर्ट्स से भी कमाएगा। इसी तरह अमित शाह का जो बेटा है, क्या वो रुपया 2 नंबरी नहीं कमा रहा है आईसीसी में? क्या वो पहनान की थी उनकी थी वो बड़ी हुई है? एक लड़के की मैंने वीडियो देखी, उसने कहा भाई साहब मैं ना उसको एक ओवर में 6 मरतबा आउट करूंगा, एक ओवर में मुझे मौका दो, एक ही ओवर में 6 मरतबा उसको मैं आउट करूंगा। वो तो मजाक कर रहा था उसका, उड़ा रहा था मजाक नहीं, ये पार्टी कमाने का ध्यान इंडिया की स्पोर्ट ज्यादा। अमित शाह का जय शाह बेटा कमा रहा, उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा? कोई तजर्बा नहीं, कोई बंदा जय शाह के ऊपर उंगली उठाएगा यार? तो फिर यहाँ पर तो गलत होता है, वहां पर भी गलत हो रहा है। मैं उनकी वीडियो, मैं सिखों की वीडियो दे सकता हूँ जो जय शाह के ऊपर बने हुए, कितना कमाता है इस क्रिकेट के अंदर, उसके ऊपर तो मोदी मौत उठाएगा लेगा। उनका बाल बाप जो है वो वजीर दाखला है। अच्छा ये यार जो भी है, मेरी बात ये बात करते हिसाब की कोई हिसाब नहीं होगा। जिन पे एजेंसियों ने छापे मारे उनके पैसे पकड़े गए, उनपे अदालतों में केस चला है, उनको सजा भी हुई है, ये बात हो रही थी उनके बारे में? बिल्कुल कहते उनको चोर तो मानो, मोदी साहब यही बोल रहे थे भाई साहब की जिनको सजा हो गई है, वो तो करप्शन साबित होगी, उनको तो चोर मानो, तो मानेंगे ना। कांग्रेस को भी चाहिए उनको माने, हाँ। क्योंकि अदालतों ने सबूत प्रूफ की बिना पर उन्हें, जो कांग्रेस का लीडर जो इलेक्शन के दौर में उससे किसी स्टेट में पकड़े गए लाखों करोड़ों रुपए, इसमें कांग्रेस दूध की दुनिया नहीं है यार। सारे लूट मानव सिंह के ऊपर भी इल्जाम है, इंडिया का सबसे बड़ा
रेट जो लगा है वो उस बंदे का लगा, कितने उसके करोड़ों रुपए मिले। मैं कहता हूँ भाई साहब वो किसका मिला, मैं तुझे बताता हूँ। मैं हमारे मोदी के ऊपर भी इल्जाम लगे हैं, मैंने सारे लगे ना। जिस दिन मोदी सीट से उतरेगा ना उस दिन देख लेना इसके ऊपर भी लाखों इल्जाम लगे, पैसा इल्जाम लगे थे इसके ऊपर भी लगे थे। आप जिसने लगाना है वो भी फ्री देगा, जो है मोदी सर वो भी देगा। भाई साहब अदालतों ने फैसला कर हो सकता है, भाई साहब इसके आसपास वाले बंदों ने किया, लेकिन मोदी की तरह इमरान का दूध का धुला ना, वही सेम बात। मैं तो वही कर रहा हूँ, इमरान खान कैबिनेट कैबिनेट तो चोर हो सकता है। इमरान खान कहता है मैंने करप्शन नहीं की, उसकी पार्टी के नीचे सभी ने की है कि नहीं की, पकड़े गए ना। एक मिनट बदनाम कौन हुआ, बदनाम कौन हुआ, एक मिनट बदनाम कौन हुआ, इमरान खान हुआ ना। सवाल ही नहीं पैदा होता है, पैसा उनके खर्चे होते हैं, वो तनख्वाह तो एक दिन गुजारा ना करे, नहीं कर सकते एक दिन गुजारा ना करे। इलेक्शन लड़ने के लिए एक एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, करोड़ रुपया हमारे इस दौर के अंदर मेज एमपीए का खर्चा है। अब मैंने देख लो चौथ हल्का होता है, 46 हल्का होता है, इसके अंदर घूमना होता है 3 महीने में, तो गाड़िया 60 64 हाँ, तो गाड़िया खाना पीना लोगों को ले जाना लाना कितने खर्चे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्चे कमाने बाद में कमाने होते हैं ना, एक बार तो लगाना पड़ता है ना। अच्छा भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, 5 करोड़ जो खर्चा करके आ रहे हैं उसकी तनख्वाह होगी, वो सारी उम्र भी लगा रहे ना उसकी तनख्वाह, एक ठेके में इतना कमा लेंगे भाई साहब, ये आते ही करप्शन के लिए। तो फिर मानना कि इंडिया के अंदर भी इतनी कमाई वो करते हैं, ये दूध का दुनिया में नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो भी कमाई करते हैं, कमाइयां करते हैं। ये दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है, ये हकीकत कोई भी नहीं बताता। चलो जी ठीक है, अपनी रूप बताइए कमेंट सेक्शन में भाई साहब के, एक बंदा करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों आता है। तो चलो एक आधा तो हो गया, 100 में से एक बंदा हो गया, वो एक भी नहीं होता। हमारे मुल्क में एक बंदा है, हमारे मुल्क में एक बंदा है, सराज लाखुद के ऊपर कोई भी केस आज तक नहीं बना, वो भी उससे बड़ा है, वो अभी तक सत्ता में भी तो नहीं ना, सत्ता में भी नहीं आया वो अभी तक, पूरा मुल्क में एक भी नहीं होती है ना। फंडिंग होती है ये बोल रहा वो बिजनेसमैन भाई, मतलब मुल्क के अंदर से वही लूट रहा, कोई खजाना उसके पास कोई भी इख्तदार आया ही नहीं, तो उसके पास कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है भाई, अपनी ना रूट सही है, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।